केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST की विसंगतियों को दूर करते हुए मैनमेड फाइबर धागे और फैब्रिक पर 1 जनवरी 2022 से एक समान 12% GST लगाने का फैसला किया है। वर्तमान में मैनमेड फाइबर पर टैक्स की दर 18%, मैनमेड फाइबर धागे पर टैक्स की दर 12% और मैनमेड फाइबर फैब्रिक पर टैक्स की दर 5% है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता वाली GST परिषद ने 17 सितंबर को अपनी पिछली बैठक में फैसला किया था कि कपड़ा क्षेत्र में टैक्स विसंगतियों को 1 जनवरी 2022 से ठीक किया जाएगा। इस निर्णय को प्रभावी करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स CBIT ने 18 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। नई अधिसूचना जारी होने के बाद अब 1 जनवरी 2022 से फैब्रिक पर GST 5% से बढ़कर 12% हो जाएगा। अब नए साल से किसी भी कीमत के फैब्रिक पर 12% GST लगेगा। पहले 1000 तक की कीमत के फैब्रिक पर 5% GST लगता था। अब हाथों से बने हुए कपड़े, सिंथेटिक धागे, थान, कंबल, टेंट, टेबल क्लॉथ, रग्स समेत कई तरह के कपड़ों पर GST 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। कई सामान्य इस्तेमाल की चीज़ों को GST से छूट भी दी गई है। 150 सामानों और 80 से अधिक सेवाओं पर GST नहीं लगाया जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कई महीनों में GST कलेक्शन में उत्साहजनक रुझान देखने को मिला है, लिहाजा टैक्स स्लैब में कुछ सुधार किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 5% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर अब सिर्फ 12, 18 और 28% की दरें रखने का फैसला कर सकती हैं। इस बीच सरकार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को पार कर जाएगी। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने यह उम्मीद जताई है। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक सरकार का प्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन 6 लाख करोड़ रुपये रहा है। वहीं वित्त वर्ष के दौरान प्रति माह औसत माल एवं सेवा कर कलेक्शन करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए है। राजस्व सचिव तरुण बजाज के मुताबिक सरकार का टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान से अधिक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।